इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम संदेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना, विराजमान श्री श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की एक अनूठी महागाथा के लिए अनूठी आस्था के साथ जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, कैसे जीवन की शुरुआत हुई विश्वभूति की और थोड़ा सा पीछे चले तो बीज बोया गया था मरीचि के जन्म में। प्रभु के होते हुए जिसके मन में प्रभुता का अहंकार आ गया है, प्रभु के होते हुए जिसके मन में प्रभुता का अहंकार आ गया, बरसाने वाले दाता के बजाय भिगने पर अहंकार आ गया है, मैं भीग गया, वर्षा नहीं होती तो तुम क्या भीग जाते। बीज यदि अपने फलित होने का श्रेय स्वयं को दे दे तो बरसाने वाला आपको वाप बरसेगा। और जिस समय हम किसी के उपकारों को इनकार करते हैं उसका अगला सूत्र याद रखना, हम उपकार के आने की शक्ति को बंद कर देते हैं। निकले के वाक्य बोला था, मिथ्यात्व किसको कहते हैं। आज अगला संदर्भ लीजिए मिथ्यात्व का, जो प्रभु की कृपा गुरु की कृपा मां बाप का वात्सल्य ग्रहण नहीं कर सकता वो मिथ्यात्वी है। वो सम्यत्वी है जो तीर्थंकर परमात्मा की सिद्ध परमात्मा की गुरु की मां बाप की और दुनिया के 2,000 करोड़ साधुओं की, कम से कम कितने 2,000 करोड़, 2,000 करोड़ों के साधुओं की साधना के वाइब्रेशन को जो ग्रहण करने में समर्थ बनता है वो सम्यत्वी है। और जो दुनिया के लाखों करोड़ों अरबों जीवों की निगेटिव एनर्जी को ग्रहण करने में समर्थ बनता वो मिथ्यात्वी है। ये मैंने तय करना या आपने तय करना है कि मैंने वरदान को ग्रहण करने के लिए समर्थ बनना कि बद्दुआंग को ग्रहण करने के लिए समर्थ बनना है। और क्या शर्त है, उतनी कितनी छोटी सी शर्त है, मिथ्यात्वी सम्यत्वी। श्रद्धे के साथ जुड़ गया तो सम्यत्वी हो गया और श्रद्धे के साथ बिछुड़ गया तो मिथ्यात्वी हो गया। सागर से बिछुड़ी हुई बूंद उसको बाप बनते देर कितनी लगती है। बूंद का अस्तित्व इसलिए है कि वो सागर में समाई हुई है और प्रभु में समाना इसको सम्यत्व कहते हैं और प्रभु से बिछुड़ना इसको मिथ्यात्व कहते हैं। मरीचि के भव में एक चेले को पाने के लिए प्रभु वचन के साथ स्वयं की तुलना कर ली। जैसा धर्म प्रभु के पास है, प्रभु के शासन में है, वैसा ही धर्म मेरे पास भी है। मैं बहुत बार पढ़ता हूं, मैं बहुत बार सुनता हूं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, 2010 में पढ़ा था, कब छपा था मुझे पता नहीं, लेकिन पढ़ा मैंने 2010 में था। एक छद्मस्थ आचार्य की, एक छद्मस्थ आचार्य की गीत गाते हुए लिखा गया था कि तुम्हारे में 24 तीर्थंकरों का चरित्र है,
तुम ऋषभदेव के समान हो, तुम अजितनाथ के समान हो, तुम संभवनाथ के समान हो, तुम अभिनंदन स्वामी के समान हो, तुम शांतिनाथ के समान हो, तुम महावीर के समान हो। पढ़ करके बहुत दर्द हुआ था कि एक छदमस्त व्यक्ति और उसमें 24 तीर्थंकर के समान कैरेक्टर, हम किसके साथ किसकी तुलना कर रहे हैं? किसी गंधर्व को लेकर के, किसी सर्वज्ञ को लेकर के जो बात नहीं बोली जा सकती है, किसी गंधर्व को लेकर के, किसी सर्वज्ञ को लेकर के जो बात नहीं बोली जा सकती है, सर्वज्ञ को लेकर के भी नहीं कहा जाता है कि सर्वज्ञ तीर्थंकर के समान है। ध्यान में रखना, सर्वज्ञ को भी तीर्थंकर के समान है नहीं मानते है। कि सर्वज्ञ केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, लेकिन तीर्थ की स्थापना करने का सामर्थ्य तो केवल है तीर्थंकर में ही होता है। इसलिए लोगस और नमुथुनम ये दोनों ही स्तोत्र तीर्थंकर के लिए है। नमुथुनम भी सामान्य सिद्धों के लिए नहीं है। पहला नमुथुनम जब हम देते हैं तो भी सब सिद्धों के लिए नहीं है। किन के लिए है? जो तीर्थंकर बनकर के सिद्ध हुए हैं, तीर्थ सिद्धा के लिए नमुथुनम है। सामान्य सिद्धों के लिए नहीं है। और उसका पहला ही वाक्य आपको याद आना चाहिए, नमुथुनम अरिहंतानम भगवंतानम आई गरानम तीर्थ यरानम। 8 कर्मों से जितने मुक्त हुए वो सिद्ध हैं, उनको वंदन नमो सिद्धानम से होता है। लेकिन नमुथुनम से जिसमें हम संपत्तानम नमो जिनानम जीय भयानम बोलते हैं तो सब सिद्धों को वंदन नहीं होता है। किनको होता है? केवल जो तीर्थंकर होकर के सिद्ध हुए हैं। और कोई व्यक्ति कह देता है कि नहीं ये तो उनके समान, ये उनके समान, लगता है कि तीर्थंकर की कितनी आशातना कर रहे हैं। एक मरीची ने एक छोटा सा सेंटेंस बोला, छोटा सा सेंटेंस बोला कि जैसा भगवान ऋषभदेव के शासन में धर्म है वैसा ही मेरे पास धर्म है, इतना ही बोला। और एक पल में परमात्मा के कृपा से वंचित हो गए। चेला मिला, नया संघ बना। आजीवक संघ शुरू हुआ, त्रिदंडी वहां से शुरू हुए, संघ बना, जनता का समर्थन भी मिला। लेकिन फिर एक बार पूछो स्वयं से कि जनता चाहिए कि जिनेश्वर चाहिए, कौन चाहिए? कई जनता के लोभ में हम जिनेश्वर को खो दे, ये जनता कब किसकी हुई है, होती है और होगी? कब हुई है, किसकी है ये जनता? कभी किसी की होती नहीं, हुई नहीं और होगी नहीं। ये तो जो जीतता है उसका जयकारा लगाती है। इसका अपना कौन है? जो खुर्ची पर बैठा है, जो सत्ता पर बैठा है। जनता के सारे रिश्ते सत्ता और संपत्ति से जुड़े हुए हैं। सत्ता तुम्हारे पास है, संपत्ति तुम्हारे पास है, तो जनता तुम्हारे साथ है। और सत्ता और संपत्ति तुम्हारे पास नहीं है तो सगा भाई भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो किसके लिए किसको छोड़ना है?
जिनेश्वर के लिए जनता को छोड़ना कि जनता के लिए जिनेश्वर को छोड़ना है? छोटा सा उत्तर दे दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यस, और अगला सूत्र याद रखिए, जो जिनेश्वर के लिए जनता को छोड़ते हैं जनता उनके पीछे चलती है। जो जिनेश्वर के लिए जनता से मुंह मोड़ते हैं जनता उनके पीछे चलती है, और जो जनता के लिए जिनेश्वर को छोड़ देते हैं। मैं कल छोटे महाराज साहब से एक दिल की बात कर रहा था। दो तीन दिन पहले मैंने भोपाल की घटना आपको सुनाई थी, और मुझे मेरे मन में एक सवाल आ रहा था। वो जो उसका नया प्रेमी है उसको इतना कैसे समझ में नहीं आ रहा है, पर जो मेरे पीछे अपने पति का मर्डर कर सकती है वो शायद और किसी के पीछे मेरा भी कर सकती है। जिसके साथ फेरे लिए उसके साथ नमक हराम हो रही है, तो बिना फेरे के मेरे साथ कब तक ईमानदार रहेगी? क्यों नहीं समझ में आता, मेरे ध्यान में ही नहीं आता। मैं ऐसा बहुत अज्ञानी हूं, ये बातें मेरे समझ में नहीं आती। अरे उसको दगा दिया तो मुझे भी तो दे सकता है। यदि एक 9 साल तक जिसके साथ रही, एक बेटे को जन्म दिया है, उसका मर्डर कर सकती है, तो तेरे साथ तो कोई जनता के साक्षी से नहीं, देव गुरु धर्म के साक्षी से नहीं, तेरा मर्डर करते टाइम क्या लगेगा? यस, और इसी आधार पर मैं जब बहुओं का क्लास लेता था, रायपुर में नहीं लिया मैंने, तो बहुओं को सबसे पहले सीख देता था मैं, अपने श्रीमान जी को अपने माँ बाप के प्रति वफादार बनाए रखना है। जो बेटा अपने माँ बाप के प्रति वफादार रहेगा वही तेरे साथ वफादार रहेगा, जो माँ बाप के साथ वफादार नहीं रहा वो तेरे साथ भी वफादार रह ही नहीं सकता है। जो प्राणों का रिश्ता नहीं निभा सका, जो जाए का रिश्ता नहीं निभा सका, वो चमड़ी का रिश्ता कब तक निभाएगा? और यदि वो अपने माँ बाप के साथ ईमानदार रहा तो गारंटी है तेरे साथ कभी बेईमान नहीं होगा। ये छोटे सूत्र होते हैं, और इन छोटे सूत्रों के परिणाम देखिए, लंबे में खता हुई सदियों ने सजा भोगी। और भगवान महावीर के चरित्र को लेकर कहना हो तो बात तो और आगे बढ़ सकती है। एक पल में भूल हो गई, भव भव में सजा भोगी। एक पल में सजा हुई, एक पल की गलती, एक वचन की गलती, एक शब्द की गलती, और सजा भव भव में सजा। अन्यथा क्या कारण, क्या कारण कि उसके साथ ऐसा हो जाए? लेकिन जब तुमने प्रभु कृपा के साथ दगा किया तो उसी समय तुमने दगाबाज को जन्म दे दिया है। जो तुम अपने गुरु के साथ करोगे, जो तुम अपने मां बाप के साथ करोगे, जो तुम अपने भगवान के साथ करोगे, दुनिया तुम्हारे साथ वही करेगी। आज नहीं तो कल होना ये सच है। इसलिए कभी भी ध्यान में रखिए, कभी मत बोलिए,
कि मुझे मेरे गुरु के साथ, मेरे परमात्मा के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे उपकारी के साथ मुझे कभी बेईमान नहीं होना है। इनके साथ ईमानदार रहोगे तो दुनिया आज नहीं कल तुम्हारे पीछे चलेगी। विश्वभूति क्या कमी थी बताइए, क्या गलती थी, क्या गलती करी उसने? कोई गलती नहीं करी, लेकिन सजा तो वो भोगी कि जो गलती करने वाले को नहीं मिले। इतनी तपस्या करने के बाद जिन्होंने कथा सुनी है उस बात को समझने का प्रयास करिए। इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी शक्ति आने के बाद, इतनी लब्धि आने के बाद गलती होने की संभावना रहनी चाहिए? क्यों हुआ, कैसे हुआ? जब तुमने प्रभु के साथ का रिश्ता तोड़ दिया तो शैतान के साथ तो रिश्ता बन ही गया है, वो बनाने की जरूरत नहीं है। इधर का तोड़ो उधर तो तैयार है, इधर का तोड़ा नहीं तो उधर रास्ते बंद है। यही सूत्र था पच्छखामी ओशरामी शरणम पवज्जामी। फूलों से चोट खाई, क्यों? कि जब तेरे से नजर हटी। सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं? जिसकी नजर प्रभु पर बनी रहती है। जिसकी नजर प्रभु से हटी वो संसार में भटक गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।